अरे यार कैसा आदमी है यार, ये टक्कर खा गया मेरे से। ओ भाई आराम से, ओ भाई आराम से, ओ आराम से भाई, टुक टुक। ओ भाई, ओ भाई। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और भाई हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। टुक टुक को एक्चुअली थोड़ा सा उल्टी हो रहा है और बीमार है बच्चा, तो भाई इसको अभी दिखा के आएंगे। हाय डिम्पी। हाय। वो पीछे बच्चा बेटा हमारा थोड़ा सा उदास, ये देखो कहते से लेट गया भाई। ये बच्चा हमको टेंशन दे देता है। सब कुछ ठीक था और अचानक से रात को बीमार हो गया, फिर सुबह इसकी स्कूल की छुट्टी हो गई। और अभी भाई जस्ट डिम्पी स्कूल से आई है और हमने खाना पीना कुछ भी नहीं किया और सीधा बच्चे को लेके जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास। सुबह इसको मोशंस हो रहे थे, रात को वॉमिट हो गई। स्कूल से भी मैंने इसको दो तीन बार फोन करके पूछा, परेशान हो रही थी काफी। अभी चेक करवाते हैं, अभी आ गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो भी है दिक्कत वो सब देख लेगा भाई, बच्चा परेशान हो रहा है। तो हम आ ही चुके लगभग हॉस्पिटल के पास, फटाफट एक बार टुक टुक को दिखा देते हैं भाई। आप ले उठो, चलो मेरा हाथ पकड़ो, मैं पर्ची कटवाऊंगा। हाँ चलो, आराम से आराम से। वो डिम्पी तो गई रोड क्रॉस कर लिया उसने, तो हम पीछे रह गए। हाँ चलो चलो, आराम से आराम से बेटा, भागना नहीं, रुको रुको रुको, टुक टुक मेरे साथ चलो, रुको बेटा, भागना नहीं बेटा। वो पहले जा रही पर्ची कटवानी उसको, इसलिए पेट में इन्फेक्शन हो गया ना। हाँ वो कह रहा अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा इसके ऊपर, मैंने कहा इसके मोशन पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ बेटा लेट लूंगा मैं। हाँ लेट जाओ लेट जाओ, पानी पी लो थोड़ा सा, होंठ सूख रहे। डॉक्टर साहब कह रहे अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है तो आराम से बात कर रहे हैं। बात तो कर रहा है पर कल रात को मोशन हुआ एक बार, आज सुबह हुआ, फिर ज्यादा हो गया तो और दिक्कत हो जाएगी। आधी दवाइयां मैं मेरे मन से ही ले आई। तो भाई हॉस्पिटल का काम तो हो गया और कुछ बैंक का काम भी है डिम्पी को, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बैंक। गाइस स्कूल से आते बाहर निकल गए हॉस्पिटल बैंक, भूख लग रही बहुत जोर से। पानी भी नहीं पिया, इवन मैंने हैंड वॉश भी नहीं किया, ड्रेस चेंज किया फटाफट और निकली। भूख लग रही है, अब घर कब पहुंचेंगे, खाना खाना है। सुबह हालांकि ब्रेकफास्ट तो किया था, शिव आपने तो शायद कुछ भी नहीं खाया होगा। कुछ भी नहीं। हाँ तो भूख लग रही है गाइस, फटाफट फ्री होते हैं काम से और भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। भाई मैंने तो भोजन प्रसादी छोड़ो, आज केवल सुबह से चल पे चल रहा हूँ पानी पे, अभी तक तो पेट में कुछ गया नहीं है। आप लेट उठे थे, अदरवाइज मैं आपको कुछ रख कर जाती। लेट सोया था, सुबह सोए थे शायद आप तो। गाइस मैं सुबह सोया था भाई 6:15 बजे। वही तो कह रहे हो, सोचो आप, अब 6:15 सोया तो ये मुझे कह रही है लेट उठे। भाई सोया उसको तो देखो, जब मैं सोया तब तो दुनिया जग चुकी थी। तब तो मैं सोया, फिर मैं वापस उठ गया 10:30। तो गाइज भाई हमारे काम हो चुके हैं, पहले हम गए थे हॉस्पिटल, फिर गए थे हम बैंक और अभी डिम्पी गई है बनाना लेने के लिए। तो लास्ट काम बचा है बनाना लेने का और बनाना लेके फिर हम जाएंगे भाई घर। टुक टुक तो देखो पीछे सो रहा है बच्चा, तो काफ़ी घायल हो गया बच्चा और इसको भूख भी लगने लग गई है। मुझे भी भूख लगने लग गई यार, काफ़ी लेट हो गया लंच में क्योंकि भाई आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इस चक्कर में अब भूख लग रही है। तो डिम्पी गई है बनाना लेने और बनाना लेके जैसे डिम्पी आएगी फिर हम जाएंगे घर। टुक टुक, ये देखो बच्चा बोर हो रहा है हमारा, पीछे सीट पे लोट पोट कर रहा है। सो गाइज हम आ चुके हैं भाई घर पे और आते से हमारा टाइम हो चुका है खाना खाने का। तो डिम्पी लेके आ गई भाई खाना, खाने में है दाल, तो ये कुछ फ्रूट्स है और रोटी है, तो अब मिर्ची की चटनी है, चटनी भी है भाई, तो खाना खा लेते हैं भोजन प्रसादी। देखो 2:30 बज गए भाई दिन के, बैठ जाओ बेटा नीचे बैठ जाओ। आपके दिमाग में आ गया ये आइडिया? हाँ। अरे वाह यार, कोई भी कुछ रो। अरे वाह यार टू टू, ऐसा करके पी सकता है। गाइज भाई टुक टुक की तबीयत हो रही है आज खराब, जैसा कि आपको दिन को मैंने बताया था, इसको हॉस्पिटल भी दिखा के लेकर आए। अभी शाम को भाई टुक टुक ने फिर से उल्टी कर दी और बच्चा घबरा गया, काफ़ी देर तक ये डैमेज ही था, खूब रोया और अभी थोड़ा सा ठीक है, इसलिए टुक टुक हमसे बात कर रहा है। अब जाके थोड़ा सा लगा है कि बच्चा बोल सकता है, जान आइए, तब मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। इसको लेकर हम भी बहुत परेशान हैं। परेशान तो होना ही है यार, खाना लेके ही बैठी थी और रोने लग गया था, इसको लेके बैठी रही, खाना भी वो एक रोटी खाई जो खाई बस। देखो अभी थोड़ा सा ठीक हुआ बच्चा, बाकी भाई जो इसकी एक्चुअल कंडीशन थी ना वो तो हम व्लॉग में बता भी नहीं सकते। और अभी देखो
वापस थोड़ा सा ठीक हुआ है। यार आप उसका वीडियो देख के हंस रहे हो, ऐसे ही सब हमारे फनी वीडियो देख के हंसते होंगे, है ना गाइस? हाँ यार क्या बच्चे को, एक टुकटुक ने फनी वीडियो देखा उसको देख के ये कब से हंस रहा है। और फिर मैं सोच रहा हूँ भाई हमारे वीडियो भी ऐसे कॉमेडी टाइप के शॉर्ट्स जो आते हैं वो फनी होते हैं, तो उसको देख के सब हंसते होंगे, शॉर्ट्स देख के भी हंसते हैं, ब्लॉग देख के भी हंसते हैं, है ना? हाँ। हाँ बेटा आप तो कह रहे थे कि जीजा की शादी हो जाए उसके बाद मैं जिम जिम जोड़ूंगा, अभी तक आपने जोड़ी नहीं, जोड़ी नहीं, जिम नहीं जोड़ी आपने, ज्वाइन नहीं करी आपने जिम? हाँ यार काफी दिन हो गए, काफी दिन क्या बहुत ज्यादा महीने हो गए भाई जिम नहीं जा रहा हूँ, और अब मैं वापस जिम ज्वाइन करने वाला हूँ। और मैंने बोला था टुकटुक को भाई गांव से आ जाएंगे उसके बाद मैं जिम ज्वाइन करूंगा, अब एक दो चार दिन में मैं एक बार पता करता हूँ जिम का और फिर मैं वापस जिम जाना स्टार्ट करूंगा भाई। काफ़ी टाइम हो गया, बॉडी भी थोड़ी लूज लूज हो गई और खुद को भी ऐसा लगने लग गया जैसे मैं काफ़ी कमजोर हो चुका हूँ, तो वापस जिम जाऊंगा तो थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करूंगा। ऐसा तो बस हो गया कि कमजोर हो चुका, ऐसा लगता है यार मुझे, मैं जिम नहीं जाता ना इसलिए मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी काफी कमजोर हो गई, थोड़ी बहुत तो बॉडी है लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं काफी कमजोर हो गया हूँ। तभी तो वो कह रहा है ऐसा फील नहीं करना है कमजोर, ऐसा फील करना है कि हम स्ट्रांग है। हाँ मैं जिम जाऊंगा ना फिर मुझे लगेगा ओ आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, बिना जिम के भी स्ट्रांग हो इसके कहने का मतलब है, तब आप और ज्यादा हो जाओगे, है ना, समझो इसकी बात। हाँ यार अब जल्दी से स्टार्ट कर दो, और दो महीने के बाद आप पक्का बॉडी बिल्डर बन जाओगे। हैं आप वो नहीं कर रहे उसमें, उसकी वजह से आपके तो पेन हुआ था अरे यार वो सर्वाइकल का जो पेन हुआ मेरे भाई, तब से मैंने जिम छोड़ दिया और डॉक्टर ने खुद ने बोला मुझे कि अभी आप वर्कआउट से थोड़ा दूर रहो क्योंकि सर्वाइकल का जो पेन है वो बढ़ सकता है, तब से मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। तो अभी टुक टुक कह रहा है कि पहले मैं जिस जिम में जाता था उसमें मत जाना क्योंकि उस जिम में जाने से मुझे ये पेन स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं है बेटा, वो तो किसी भी जिम में जाने से हो जाता है, उस जिम का कसूर थोड़ी है। तो वो तो क्या डेडा ने कहीं हल्के हाथ से वजन उठा लिया ना। हाँ वो गलत रह गया मेरा, कुछ पोस्चर का ध्यान नहीं रखा डेडा ने, कुछ पोस्चर गलत रह गया, वजन उठाने में कुछ मैंने गलती कर दी, इस वजह से मेरे सर्वाइकल का पेन स्टार्ट हो गया। वो तो है ना बिना जिम के भी, देखो मैंने इस हाथ से क्या पता क्या वजन उठाया, देखो अब आज ये देखो ये कलाई मेरे यहाँ से दर्द हो रही है, स्वेलिंग आ रही है बिना जिम के भी गाइस, ये वाली ये जो वेन है ये दर्द हो रही है, पीछे कलाई नहीं मुड़ रही है, इवन मैं इस हाथ से एक पानी का लोटा भी नहीं उठा पा रही हूँ। पानी टुक टुक देखो भाई इसको कौन कहता है ये बच्चा बीमार है। आराम से बीमार क्या, आज खाना ही नहीं खाया इसने भाई, दोनों टाइम खाना नहीं खाया और रात को उल्टी कर दी, आज दिन को भी उल्टी कर दी, पूरे दिन सो रहा था या बिस्तर में, सुबह मोशंस हो गए और अभी जाके थोड़ा सा हंसने लगा है, बोलने लगा है बच्चा। अरे यार कैसा आदमी है यार, ये टक्कर खा गया मेरे से। ओ भाई आराम से भाई टुक टुक, ओ भाई अरे यार ये तो टक्कर खाने आ रहा मुझसे। अरे ऐसे उसके बाद खाओगे हाँ, उसके बाद आ जाओ जबरदस्ती। ओ ये भाई क्या कर रहा है, ये भाई क्या कर रहा है, तू तो देख ले सही से है भाई जी, तू तो देख ले सही से, मुझे कह रहा तू तो देख ले सही से। हाँ ये शॉर्ट्स है भाई, ये तू कह सकता है भाई, अभी डिम्पी बोला कि तू क्यों बोला, आप बोलो। ऐसे व्लॉग को एक यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक आप लोग ध्यान रखिए, बाय बाय। I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me